फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ सरसों के साग की रेसिपी, जो कि सर्दियों की मेरी फेवरेट रेसिपी है। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि पंजाबी सरसों साग बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक मैंने बताया है, जिससे आपका भी सरसों का साग एकदम परफेक्ट बनेगा। तो फिर आइए बिना देर किए हम सरसों का साग बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बबली, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल बबली पांडे किचन में। तो साग बनाने के लिए यहां पे मैंने लिया है सरसों का साग, पालक का साग, साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा लिया है बथुआ का साग। तो ये तीनों मिला के ही मैं बनाऊंगी सरसों का साग। तो ये जो सरसों का साग है, ऐसा बंडल बांध के मार्केट में जो मिलता है, ऐसा मैंने 4 बंडल लिया है। और इसमें हम 2 बंडल डालेंगे पालक साग और 2 बंडल ही डालेंगे बथुआ का साग। तो साग को सबसे पहले हम साफ करेंगे। तो ऐसे देखिए, हमें चुनते समय ध्यान देना है, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं लेना है, ऐसा थोड़ा नाजुक सा पत्ता लेना है। और जहाँ से ये हार्ड हो, नीचे का तोड़ के हटा देंगे और नाजुक वाला तोड़ के रख लेंगे। और ज़्यादा इसमें फूल वगैरह भी ना हो, वो साग अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह सारे साग को पहले हम साफ कर लेते हैं। साग को 3-4 बार साफ पानी से धो के हम इसे कट कर लेंगे। तो ये सारी तैयारियां पहले कर लेंगे तो फिर ये रेसिपी बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, रफली चॉप करना है बस, बारीक बहुत नहीं काटना है। तो तीनों सागों को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग बाउल में रख लिया है। ये है सरसों साग, पालक साग और बथुआ साग। मेजरमेंट अगर देखेंगे तो इसमें अगर सरसों साग 1 किलो लेंगे तो 250 ग्राम लेंगे पालक का साग और 250 ग्राम ही लेंगे बथुआ का साग। और चाहे तो मेथी का साग या फिर मूली का पत्ता भी आप ऐसे ही 250 ग्राम 300 ग्राम करके ले सकते हैं। नॉर्मली मैं ये तीनों सागों को लेके ही बनाती हूँ। तो काटने के बाद साग को डालेंगे एक प्रेशर कुकर के अंदर, क्योंकि हमें इसे अच्छे से उबालना है, बॉयल करके पकाना है। तो सारे साग को हम कुकर के अंदर डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 8 से 10 छिला हुआ जवा लहसुन का, ऊपर ऐसे रख देंगे। और 2 इंच के बराबर छिला हुआ अदरक, ये भी डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे, साग में नमक कम ही डालना चाहिए। और साथ ही साथ 1/2 ग्लास के बराबर पानी डालेंगे। साग भी पकने के बाद पानी रिलीज करता है, तो इसीलिए पानी थोड़ा ही डालना है, मैंने 1/2 ग्लास डाला है। और अब ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। और जब सीटी आ जाएगा तो खोल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसे रखते हैं फ्लेम के ऊपर और फ्लेम ऑन करके मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 6 सीटी आ चुका है और ये प्रेशर भी निकल के ठंडा हो चुका है, तो खोल के हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, साग बहुत अच्छे से पक चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें साग को ऐसे ही पकाना है, सरसों साग पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो ऊपर से हमने डाला है इसमें लहसुन अदरक, इसे एक मिक्सी जार के अंदर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसे पीस के इसका पेस्ट बनाना है। और जितना साग है उसमें 1/2 साग हम लेके मिक्सी जार में डालेंगे, क्वांटिटी में 1/2 हम उसमें डालेंगे और 1/2 कुकर में ही रहने देंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी भी डालेंगे क्योंकि हम इसे पीसेंगे। और इसे ढक्कन लगा के रखते हैं साइड में पीसने के लिए। और जो बचा हुआ साग है इसकी हम अच्छे से घुटाई करेंगे, जैसे कि पंजाबी सरसों का साग बनता है सेम हम वैसे ही बना रहे हैं। तो घुटाई करने के लिए इस तरह से जो पोटैटो मैसर है वो ले सकते हैं, या फिर स्पैचुला से भी आप कर सकते हैं। तो इतने अच्छे से मैश करना है कि एकदम आपस में मिक्सअप हो जाए और अलग अलग सा बिल्कुल भी ना रहे। तो इस रेसिपी में ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी से बनेगा बहुत ही स्मूथ सा सरसों का साग। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। देखिए बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जो हमने मिक्सी में निकाला था उसे भी हम मिला लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 1/2 को हमने पीसा, 1/2 की घुटाई की। फ्रेंड्स, ऐसा हमने इसलिए किया कि इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। दोनों तरह से जब हम करके मिलाते हैं तो देखिए तब आता है एकदम परफेक्ट टेक्सचर। इसे हम मिला लेंगे और अब चलते हैं फाइनल प्रोसेस में। सरसों का साग बनाने के लिए सबसे पहले पैन गरम करेंगे। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच के बराबर सरसों का तेल। इसे थोड़ा सा गरम होने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ लहसुन,
यानी कि 1.5 से 2 चम्मच के बराबर, और लो टू मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए इसे भूनेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है साग में। कुछ सेकंड के बाद ही इसमें हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 इंच के बराबर क्रश किया हुआ अदरक, और इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। और जब तेल में लहसुन भून जाता है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस साग में। और जैसे ही 1.5 मिनट के बराबर थोड़ा सा जब भून जाए, इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, और फ्लेम को थोड़ा सा मैं बढ़ा रही हूँ प्याज को भूनने के लिए, और प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे इसमें। और देखिए जैसे ही ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा, इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर। टमाटर ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 ही डालेंगे, और इसे भी हम अच्छे से पकाएंगे जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के लिए इसमें हम डालेंगे नमक। नमक यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, और हल्दी हम डालेंगे एकदम हल्का सा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो साग का कलर चेंज हो जाएगा। सूप के लिए थोड़ा सा बस डाल देंगे, और इसे हम मिलाएंगे, और ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम 2 मिनट के लिए इसे कवर भी कर देते हैं। 2 मिनट के बाद इसे हम अच्छे से मैश करके पकाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कलर दिख रहा है, और इसे अच्छी तरह से हम ऐसे मसलते हुए मैश कर लेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, और ये हमारा मसाला तैयार है। और यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे साग जो हमने पहले ही पका के और पीस के रखा है, और अच्छी तरह से मिला देंगे सारी चीज़ों को। फ्लेम को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, और इसके बाद हम डालेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है इस रेसिपी की असली जान। और वो डालने के बाद ही हमारा जो सरसों का साग है टेस्टी बनेगा, और वो है मक्के का आटा। फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है, आप इसे ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर किसी वजह से आपको ये मक्के का आटा नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आप इसमें कॉर्नफ्लावर या फिर बेसन डाल सकते हैं। तो इतने क्वांटिटी में मैं डाल रही हूँ, लगभग 2 से 2.5 चम्मच के बराबर। 2 चम्मच मैंने डाल के मिला लिया है, 1/2 चम्मच फिर से डाल रही हूँ। और ये डालने के बाद सरसों का जो साग है बहुत अच्छा बनेगा, एकदम क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है। अच्छे से हम मिला लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा देसी घी 1 टेबल स्पून के बराबर, और इससे आएगा बहुत ही बढ़िया सा साइन, और इसे भी हम मिला लेंगे। और इतना डालने के बाद फ्रेंड्स इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है कि एकदम कंट्रोल नहीं होता है। और ये देखिए कितना सुंदर सा साइन आ गया है, और क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है। तो फाइनली हमारा मज़ेदार सरसों का साग बन के तैयार हो गया है, और लास्ट में हम इसमें लगाएंगे एक बहुत ही टेस्टी सा तड़का। तो ये देखिए इसका टेक्सचर, वाह बहुत ही यम्मी बना है। तो फटाफट इसे मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स सरसों के साग को मैं ढाबा स्टाइल कढ़ाई में सर्व कर रही हूँ। देखिए दिख रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी बना है ये सरसों का साग। इतने टेस्टी रेसिपी के लिए 1 लाइक तो बिल्कुल बनता है। तो अब इसे सर्व करने के बाद इसका हम बनाएंगे एक स्पेशल सा तड़का। तो इसके लिए एक तड़का पैन रखेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी, घी को मेल्ट होने देंगे, और इसमें कुछ कटा हुआ डालेंगे अदरक, हरी मिर्च 2 डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा, और साथ ही साथ 2 सूखा लाल मिर्च। तो बस इतना डालने के बाद इसे थोड़ा सा चटकने देंगे, और इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और बस ये जाएगा सरसों के साग के ऊपर। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, वाओ पूरा घर खुशबू से भर गया है। तो आप चाहे इसे रोटी पराठे के साथ सर्व करिए, लेकिन मैं तो अपने फेवरेट मक्के की रोटी के साथ इसे सर्व करती हूँ। तो आज की रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं जा रही हूँ अब इसे इंजॉय करने।